जय हिंद विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं अंग्रेजी का फाइनली असली पेपर हमारे पास आ चुका है। यह पेपर देख सकते हो विद्यार्थियों, मेरे हाथ में है। ठीक है विद्यार्थियों, यह पेपर मैंने फोटो खींच लिया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बताने में अच्छा होगा। वैसे विद्यार्थियों दिखता नहीं है, वीडियो में छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो उत्तर भी है जो कि साथ में है। तो विद्यार्थी उत्तर मिलेगा वीडियो के अंत में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा A to Z मैं दूंगा। तो आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर देखो, ये देखो आपका उत्तर पूरा तैयार है। मैं यहाँ पर उत्तर पूरा दिखा देता हूँ। ये देखो विद्यार्थियों उत्तर, जो कि वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। ये देखो पूरा उत्तर पड़ा है, जो कि वीडियो के अंत में मिलेगा। ये देखो विद्यार्थियों, ये 10 का उत्तर, ये देखो विद्यार्थियों 11 का उत्तर, इसको पूरा देख लो, जो कि आपको एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। यहाँ पर देखिए, तो विद्यार्थियों वीडियो भले ही लंबी हो जाए, उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको पूरा A to Z लिखना है। यदि इस पेपर को तैयार करके एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपको पहले 75 अंक का पेपर आने वाला है, 8 पेज रहेगा, 16 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटा समय रहेगा आपका। यहाँ पर देखो सेक्शन ए एवं सेक्शन बी एवं सेक्शन सी, 3 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला प्रश्न है सेक्शन ए, सेक्शन ए में रीडिंग करना है। तो रीडिंग मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। यदि आपको 1 भी% इंग्लिश नहीं आती होगी, तब पर भी मेरे बताए हुए आइडिया से आप करोगे तो आपको 101% मार्क्स लेकर आओगे। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, रीड द पैसेज करेक्टफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इसको पढ़ो और उत्तर लिखो, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे जाना है, आपको इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद मैं जो इंग्लिश नहीं बनती है उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, या तो आपको इंग्लिश नहीं आती तो नहीं पढ़ सकते, इस लाइन को आपको इसमें खोजना है। इसमें तो विद्यार्थियों जाहिर सी बात है कि आप खोजोगे तो पा जाओगे। तो यहाँ से देखो विद्यार्थियों, यहाँ से जो लाइन है यही लाइन तो है, तो इसमें से कौन सा चीज़ उस लाइन में नहीं है, 1789 है वह तो नहीं है। यहाँ पर रिक्त स्थान में, यहाँ पर देखो, ये देखो विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 1789 हो जाएगा, तो 1789 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हो गया। इसके बाद 2 नंबर क्या करना है, 2 नंबर भी देखना है, इनमें से क्या है, तो इसको पूरा घेरना है। तो आप इसको कैसे खोजोगे, आपको इंग्लिश नहीं आती तो पर भी आप खोज सकते हो। तो आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है, तो यहाँ पर देखो राइट आंसर है, तो यहाँ पर लिखना है यही वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैसे मिला कि नहीं विद्यार्थियों, B नंबर पे। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद 3 नंबर देखना है, 3 नंबर भी आप खोज लोगे तो 3 नंबर में मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। 3 नंबर में विद्यार्थियों पेट्रोल है, क्योंकि तो खोजोगे तो ऐसे 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 यहाँ एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन में क्या डाला जाता है, तो पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल यहाँ पर डाल देना। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आ गया, क्योंकि 4 नंबर पर इसको पूरा पढ़ लेना है, पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एरोप्लेन 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 एरोप्लेन, तो यहाँ पर लिखना है एरोप्लेन, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर, 5 नंबर पढ़ लेना है, पढ़ोगे तो आपको बन जाएगा, बनेगा। इसके बाद आपका एक एज आप साइंस, इसको आपको लिख लेना है साइंस वाला। इस प्रकार आपको अगला प्रश्न आएगा, तो रीड द पैसेज करेक्टली एंड आंसर द क्वेश्चन गिन बोलो, इसको पढ़ के पूरा A to Z आप नीचे प्रश्न मिलेगा, यह प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो देखिए विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में है, 2 में से 1 लिखना है, तो पहला का B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों 2 नंबर है, 2 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो, सी नीचे है आपका, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर देख लो, 4 नंबर पे आपको राइट आंसर लिखना है, जो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 3 का C नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 3 का C नंबर लिख लेना है राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लो, 4 नंबर, 4 नंबर पूरा पढ़ के यहाँ पर फिजिक्स को राइट आंसर मान लेना। इसके बाद यहाँ पर डिस्कवरी है, तो यहाँ पर वाई लगा देना ताकि डिस्कवरी हो जाए, बाकी वहीं लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट एल्सो, इस बोला जा रहा है कि इसको पढ़ो और उत्तर लिखो, तो ऐसे तो आपको बन ही जाएगा, तो आप इसको पूरा पढ़ के नोट्स बना देना। नोट्स कैसे बनाना विद्यार्थियों, बायोगैस से संबंधित यहाँ पर है, वहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ तक 1 पॉइंट डाल देना और यहाँ से चालू करना, यहाँ तक 2 पॉइंट डाल देना, यहाँ से चालू करना, यहाँ तक 3 पॉइंट डाल देना और यही से चालू करना है, यहाँ तक 4 पॉइंट।
बस चार लाइन लिख देना है, चार नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर पाँच नंबर पर एक एप्लीकेशन लिख देना है, सॉरी चार नंबर पर, तो एप्लीकेशन तो आप तो बन ही जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन के बाद आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, जो कि आपको होनर ऑफ साइंस, हैप्पी होली, इस पर भी लिख सकते हो जो मर्जी। इसके बाद यहाँ पर चित्र को देखकर चित्र के बारे में आपको पाँच लाइन लिख देना है, क्या क्या है, कैसे, तो इसको तो आपको बन जाएगा, या तो मैं वीडियो के अंत में लिखा हूँ तो वहाँ से दिखा दूंगा। सेक्शन डी है, सही सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको क्या करना है, सेक्शन सी में विद्यार्थियों आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको आपको तैयार करना है, जो कि आपको बहुत अच्छे से। तो सात नंबर है, सात नंबर प्रश्न है, पहला नंबर में आपको द डालना है, दो नंबर है, दो में आपको एनी डालना है, तीन नंबर है विद्यार्थियों, तीन में आपको ऑन डालना है, चार नंबर है, चार में आपको राइट आंसर ए डालना है, पाँच नंबर है, पाँच नंबर में आपको मच डालना है, छः नंबर है, छः में आपको हॉज डालना है। इस तरीके से आपको डाल लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, जो कि आपको प्रश्न क्रमांक आठ है, तो इस चित्र को देख करके आपको चित्र के बारे में लिख देना है, तो ऐसे तो आपको बन ही जाएगा, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इस प्रकार विद्यार्थियों सेक्शन सी, वो क्या बोलते हैं, नौ प्रश्न आ गया। नौ प्रश्न में आपको क्या करना है विद्यार्थियों, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपसे बनने लगेगा, तो बनने लगेगा तो मैं उत्तर बता दूंगा, तो मैं उत्तर बता दूंगा तो मैं आपको लिख लो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसमें से राइट आंसर लिखना है, तो इसमें से विद्यार्थी आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो कि आपके सामने, तो विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हो जो कि आपके सामने है, तो ए बी जी अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न इसमें, जो कि विद्यार्थियों आपको पाँच है, पाँच का राइट आंसर चाहिए, तो पाँच का राइट आंसर विद्यार्थियों मैं बता देता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों छः नंबर है, छः नंबर में बताता हूँ, छः नंबर में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, जो कि रीड द फॉलोइंग, इसको आप पढ़ के आपको लिखना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है, सेक्शन ए को पहले देखो, इसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन ए में पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का राइट आंसर आपको चाटना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार आप अगला प्रश्न देख सकते हो, अगला प्रश्न में विद्यार्थियों तीन नंबर है, तीन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगला प्रश्न आपके सामने है, तीन नंबर, तीन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपको देख सकते हो, सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको तैयार करना है। सेक्शन बी में पहला का ऑप्शन नंबर, इसको पढ़ोगे रीड द फॉलोइंग इसको वाला, तो पढ़ के पोएम को, पोएम है। इसके बाद पहला है, पहला फॉर्म ओपन, इसको पढ़ के आपको पहला का ऑप्शन नंबर बी लगा देना है। इसके बाद दो नंबर देखना है, दो नंबर में भी आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीन नंबर देखिए, तीन नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्यारह नंबर, ग्यारह नंबर में देखिए विद्यार्थी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली सिक्स, तो छः का उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विद्यार्थी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ओनली सिक्स का उत्तर दो, तो यहाँ पर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली सिक्स, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छः का उत्तर आपको लिख देना है, एक को काट देना है, ठीक है। इस प्रकार आप प्रश्न क्रमांक बारह देख सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सत्तर वर्ड, सत्तर वर्ड में दो लिखना है, एक दो, एक को नहीं लिखना है। इस प्रकार आप देख सकते हो तेरह नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट छत्तीस वर्ड, उन्हें दो लिखना है, तो एक दो को लिख देना है, एक को नहीं लिखना है। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न क्रमांक चौदह आ जाएगा, चौदह में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सत्तर वर्ड, सत्तर वर्ड में ओनली दो लिखना है, एक दो, एक को नहीं लिखना है। इसके बाद आप पंद्रह नंबर प्रश्न देख सकते हो, पंद्रह में एक दो, दो में से एक लिखना है। इसके बाद सोलह नंबर, सोलह में एक में से दो लिखना है। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न से अपना उत्तर देख लो, क्योंकि पहला का उत्तर देख लो यहाँ पर पूरा, ये रहा आपका उत्तर, पहला में सी नंबर, दूसरा का बी नंबर, तीसरा का ए नंबर, चौथा का डी नंबर, पाँचवा का डी नंबर। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक दो है, पहला का बी नंबर, दूसरा का सी नंबर और तीसरा का सी नंबर और पाँचवा का डी नंबर, और यहाँ पर पाँच का इसके डिस्कवरी लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर बायोग्राफ, जो कि नोट्स बनाना था प्रश्न क्रमांक तीन में, उसको लिख लो यहाँ पर पूरा आपका यहाँ पर है, पहला स्क्रीन शॉट ले लो। और यहाँ पर देखो यहाँ प्रश्न क्रमांक चार था, जो कि यहाँ पर निबंध लिखना था, एप्लीकेशन लिखना था, टू द प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पर एम पी आपको जो डिस्ट्रिक्ट को वहाँ डाल देना है, सब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन यहाँ पर लिख देना है।
इसके बाद यहाँ पर आगे अपना पूरा लिख देना है, रिस्पेक्टेड सर दिस इज नॉट, यहाँ पर जो भी आपको लिखना है लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 और 6, 5 में आपको था वहाँ पर निबंध, इसका 6 में आपको चित्र देख कर लिखना था तो आप लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगला प्रश्न, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 7 है, 7 में आपको पहला में आपको यहाँ पर लिखना है द, दूसरा में नी, तीसरा में आन, तीसरा में बैन, मैच है, इसको आप जो भी है लिख लेना, ठीक है विद्यार्थी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है, 8 पूरा इसको आप स्क्रीन शॉट ले लो। प्रश्न क्रमांक 9 है, पहला का सी नंबर, दूसरा का डी नंबर, चौथा का ए नंबर, पाँचवा का चौथा, पाँचवा पर देख लीजिए, इसके बाद पूरा देख लीजिए स्क्रीन शॉट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, सेक्शन ए का पहला का सी, दूसरा का सी, तीसरा का सी, प्रश्न क्रमांक डी 10 का बी नंबर, पहला का भी, दूसरा का भी, तीसरा का भी, इस प्रकार। प्रश्न क्रमांक 11 था, 11 में आपको ओनली 6 था, यहाँ पर लिखा भी गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली 6। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक पहला है, पहला का उत्तर, ये 2 का उत्तर प्रश्न सही थे, 3 का उत्तर देख लो, और ये 4 का उत्तर आपके सामने है, ये 5 का, 6 का, ये 7 का, आपको एक छोड़ देना है किसी को भी। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 12 है, इसको आप पूरा लिख सकते हो, इसके बाद 12 का 2 लिखना है यहाँ पर, इसके बाद विद्यार्थी यहाँ पर 3 है, 3 है पर 2 लिखना है, 13 प्रश्न है 2 लिखना है, तो एक ये लिख लो पूरा। इसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 2, पहला इसको और दूसरा, इसके बाद यहाँ पर देख लो आगे का ए रहा पहला और दूसरा, प्रश्न क्रमांक 14 देख लो, पहला लिख लो इसको, ये आगे का, इसके बाद प्रश्न क्रमांक आगे का ए देख लो, इसके बाद ये पूरा आप देख लीजिए विद्यार्थी, ये आप 15 नंबर, इसके बाद ये अगला प्रश्न, तो यहाँ पर 16 नंबर देख लो, इसके बाद ये आगे का विद्यार्थी, आप पूरा देख लीजिए, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछना विद्यार्थी हो, यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया ए टू जेड। आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर पीडीएफ का पास कोड है, उसमें 20111011 यह कोड रहेगा, कोड डाल के खोल लेना, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए।